COD एनालिसिस तो आप परफॉर्म करते ही हैं, जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड, फेरस अमोनियम सल्फेट और अन्य कई केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन उन केमिकल्स को या रिएजेंट्स को यूज़ करने के पीछे क्या कारण है, उन्हें यूज़ करने से रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है, शायद ही किसी ने आपको बताया होगा। तो बस ये सब जानने के लिए अंत तक बने रहें मेरे साथ। हेलो गाइस, वेलकम टू ETP नॉलेज जंक्शन। मैं हूं संजीत और आज की वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि COD एनालिसिस में यूज़ होने वाले केमिकल्स या रिएजेंट्स के बारे में और जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन में उनका क्या महत्व है। दरअसल जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उस केमिकल रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। कुछ रिएक्शन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं तो कुछ नेगेटिवली। इसी प्रकार से COD एनालिसिस के दौरान भी बहुत सारे केमिकल्स कंपाउंड ये फ्री रेडिकल्स होते हैं जो रिएक्शन को प्रभावित करते हैं, जैसे कि स्ट्रेट चैन एलिफैटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फैटी एसिड्स, क्लोराइड्स, नाइट्राइड्स एंड आयरन्स आर द मेन इंटरफेयरिंग रेडिकल्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से रिएजेंट्स हैं जो COD एनालिसिस में इस्तेमाल किए जाते हैं। COD एनालिसिस में यूज होने वाले रिएजेंट्स हैं मर्क्यूरिक सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फॉमिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सिल्वर सल्फेट एंड फेरस अमोनियम सल्फेट। अब जान लेते हैं कि कैसे ये रिएजेंट COD रिएक्शन में इंटरफेरेंस को रोकते हैं। ये एक COD की मेन रिएक्शन है, जैसे कि आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। तो एनालिसिस में सबसे पहले हम मर्क्यूरिक सल्फेट को ऐड करते हैं बाकी सभी रिएजेंट्स को ऐड करने से पहले, क्योंकि मर्क्यूरिक सल्फेट क्लोराइड्स के इंटरफेरेंस को रोकता है। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि क्लोराइड्स इस प्रकार से रिएक्शन में इंटरफेयर कर सकते हैं। और अब आप देख रहे हैं कि मर्क्यूरिक सल्फेट को ऐड करने से कैसे क्लोराइड्स के इंटरफेरेंस को रोका जा सकता है। इसी प्रकार से नाइट्राइड के इंटरफेरेंस को रोकने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में 120 मिलीग्राम सल्फॉमिक एसिड ऐड किया जाता है। सिल्वर सल्फेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण और काफ़ी महंगा रिएजेंट है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड किया जाता है। सिल्वर सल्फेट स्ट्रेट चैन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन को एक्सेलरेट करता है। तो सिल्वर सल्फेट एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है COD एनालिसिस में। अब बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। दरअसल सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि ऑर्गेनिक मैटर का पोटेशियम डाइक्रोमेट की वजह से कंप्लीट और बेटर ऑक्सीडेशन हो सके। एक और रिएजेंट है फेरस अमोनियम सल्फेट, लेकिन ये सवाल अब आपके लिए है। आपको बताना है कि फेरस अमोनियम सल्फेट का क्या काम है और ये काम कैसे करता है। तो उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा कि COD एनालिसिस में जो भी रिएजेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनका क्या महत्व है। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप सजेस्ट कर सकते हैं कि अगली वीडियो किस सब्जेक्ट पर बनानी है। और अगर आप अपने ट्रीटमेंट प्लांट में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या आप पर्सनली भी मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। लिंक्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज़।